हेलो गाइस, मैं उठ चुका हूँ सहरी के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हो रहा है लगभग 4 बज रहा है इस वक्त। तो भी आज हम शहरी में खा रहे हैं कबाब पराठा और ये आलू की सब्जी। तो गाइस, नमाज़ पढ़ के हम लोग आ चुके हैं एंड अभी सुबह का 5:28 हो रहा है, तो अब जा रहे हैं सोने। तो गाइस, सो के हम जस्ट अभी उठे हैं, मतलब थोड़ी देर हो गई। टाइम हो रहा है अभी लगभग 3 बजने वाला है। अब देखते हैं अब करना क्या है आज पूरे दिन। तो गाइस, हम निकले हुए थे अभी घर से कुछ काम से, पनीर, हरा धनिया, हरी मिर्चा लेने के लिए। तो सोचा वीडियो बना लूँ, दिखा दूँ आप लोगों को भी। ये हमने ले लिया था और ये यहाँ की लोकल मार्केट है, देख रहे हैं आप। गाइस, हम आए थे ज़रा आज एक पान केक मिलते हैं, वो हार्ट शेप के होते हैं। हाँ, मतलब पान का भी शेप हार्ट ही जैसा होता है गैस। तो यहाँ बर्मा बिस्किट करके, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट बेकर्स हैं लखनऊ में, मतलब इनकी बेकरी बहुत पुरानी है। यहाँ के बिस्किट बहुत अच्छे होते हैं, तो इनका पान केक भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये कि जनपद के जस्ट ऑपोजिट साइड वाली बर्मा बिस्किट जो है वहीं पर। तो गाइस, मगरब का टाइम हो गया है और अब हम जा रहे नमाज़ पढ़ने मस्जिद, और साथ में हमने ये भी लिया है डेट्स, मतलब एक डेट लिया है, वहाँ जाके खोल लेंगे मस्जिद। गाइस, मस्जिद से हम नमाज़ पढ़ के और रोज़ा खोल के आ गए, अब घर पे अच्छे से इफ्तारी करेंगे। ये देखिए गाइस, पापड़ हैं, बहुत सारी माशाल्लाह से इफ्तारी आ जाइए है घर पे अल्हम्दुलिल्लाह। पकौड़ियाँ, तो ये देखिए गाइस, मैं सोचा कि वो तो अंदर हो ही रही है इफ्तार का रखा हुआ, ये चाय बन रही है। ये अपने जॉन भाई चाय बना रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग चाय बना रहे जॉन भाई, क्या बात है। मेरी कौन सी चाय भाई? ये मेरी कम शक्कर डाली है ना, बस 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 बस, हम ज़्यादा नहीं पियेंगे। तो ये चाय छन रही है, तो अब हम भी चलते हैं अंदर कुछ खाने पीने। बट क्योंकि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम ज़्यादा मतलब ज़्यादा पकौड़ी वकौड़ी नहीं खाएंगे। तो गाइस, मैंने सोचा था एक चीज़ आपको दिखाऊं कि लखनऊ में सिर्फ रमज़ान टाइप की बनती है, उसको शाखे कहते हैं। मुझे कमेंट में बताइएगा कि कभी आपने टेस्ट करी है या सिर्फ लखनऊ में ही बनती है, कहीं बाहर भी बनती है कि नहीं। पर इसी के बगल में मीठे समोसे हैं। और एक बात और, ये जो पकौड़ी बनी है ना, घर की बनी हुई पालक की पकौड़ी है। ये देखिए, तो ये भी मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको पालक की पकौड़ी पसंद है, प्याज की या आलू की। तो गाइस, जब हम उतर चुके हैं, देख रहे हैं पसीने में हो रहा हूँ पूरा। अब जा रहा हूँ नहाने, मैं फ्रेश हो जाऊँगा, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो गाइस, 2:30 बज रहे हैं इस वक्त और हम जिम से आ गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।